उपजिल्हा रुग्णालय अचलपूर येथील पोंगळा कारभार 102 रुग्णवाहिका मागील 20 दिवसांपासून बंद, रुग्णांची गैरसोय। 14 जुलै गुरुवार रोजी अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालय येथील रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईकांनी प्रतिक्रिया दिली की मागील 20 दिवसांपासून 102 ॲम्ब्युलन्स डिझेल अभावी बंद करून ठेवण्यात आली आहे। उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सोनोग्राफी सेंटर मागील 1 तारखेपासून बंद आहे। उपजिल्हा रुग्णालय येथील पिण्याचे पाणी बोरमधून खराब आणि रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईकांनी पियावं लागत आहे। तरी याकडे उपजिल्हा रुग्णालयातील वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे अशी नागरिकांची मागणी आहे। मागील 1 महिन्यापासून 108 गाडी बंद आहे आणि इतर डिझेल भेटत नाही। नागरिकांना गैरसोय होत आहे। खाजगी गाड्यांना लोकांना बाहेर गावी किंवा उपजिल्हा रुग्णालयातून अमरावती येथे पाठवण्यात येते, परंतु येथील 108 गाडी बंद आहे। पाहूया नागरिकांची प्रतिक्रिया। पहिली बात एक बात ये सुनो की ह्या पेशंट आता कोण आहे। पेशंट वही आता है जिसकी परिस्थिति डाउन रहती है, वही पेशेंट के इलाज ये इसके लेने देने हैं। 102 एम्बुलेंस कम से कम 15 दिन या 1 महीना हो गया है जब से खड़ी है। काय की प्रॉब्लम है? डीजल की। अगर उसमें डीजल होता है तो पेशेंट को इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं। अभी एक एम्बुलेंस में हमने 3 से 4 पेशेंट भेजे, उसमें उसको पेशेंट को बिठाने का बोल रहे तो एम्बुलेंस वाले नहीं भाई नहीं लेके आती पेशेंट को, तो उन्होंने भी टाइम नहीं किया। मिशू भाई बोले इसमें पेशेंट अभी 3 से 4 होगा, बोला कैसा बिठाना एक पेशेंट को, उसको इमरजेंसी भी जाने का था। अब एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी हुई 102 15 दिन से महीना भर से खड़ी है, उसमें प्रशासन का क्या काम है कि उसमें डीजल होना, डीजल रहने तो भी गाड़ी निकली। तो यहाँ के बोले साहब को ये विनती है कि आप ये चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है वो एम्बुलेंस में डीजल डाल के वो यहाँ गाड़ी दवाखाने के अंदर लगवाई हुई है, तो इमरजेंसी कोई पेशेंट की जरूरत पड़ती तो उसको अमरावती रेफर करे। उसके बाद में सोनू गिराफी टेक्नीशियन सोनू गिराफी का वो भी मन है डायलिसिस सेंटर, उसमें भी 3 से 4 पेशेंट का डायलिसिस के नंबर, उसके आगे वो कोई नंबर लग नहीं रहा है। डायलिसिस वाले भी परेशान हैं, उनके नंबर वो बोलते कि भाई यहाँ 3-4 के अलावा है, बाकी के बोले वहाँ नंबर लगते नहीं। उसके बाद में अपना खारा पानी का ये मामला है, 6 महीने से यहाँ खारा पानी चल रहा है। पीने के लिए जो पानी मीठा पानी बिस्लरी का जो पानी आता था, आज जो तबियत दिमाग जो इंसान हो रहा है आज जो वही से पानी की परिस्थिति डाउन चल रही है, तो अपना पानी में एकदम फिल्टर वाला पानी अगर मिल जाए पेशेंट को तो आज ये नौबत नहीं आती। उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये रोंगळा कारोबार सुरू आहे। येथील डॉक्टर डोले अधीक्षक ह्या लक्ष देत नाही आणि येथील नागरिकांना आणि रुग्णांना खाऱ्या पाणी पियावं लागत आहे। डायलिसिस सेंटर बंद आहे, तसेच येथील सोनोग्राफी टेक्निशियन नसल्याने 1 महिन्यापासून सोनोग्राफी सेंटर बंद आहे। डिझेल अभावी 102 गाडी मागील 1 महिन्यापासून बंद आहे। येथील मेलघाट आणि चिखलदरा येथून आदिवासी नागरिक येत आहे आणि त्यांची गैरसोय होत आहे। आमच्यासोबत आहे, त्यांना विचारू त्यांना काय करत आहे बोलू। यहाँ गाड़ी में हमारा पेशेंट पड़ा है, उसको बोले डीजल दर, तो बोले डीजल नहीं है बोले गाड़ी में। फिर अभी दोनों को हमने बोले कि क्या है करके, यहाँ पे विशु भाई को फिरोज भाई को अभी फिरोज भाई बोले डीजल को बोले करके। दो दिन पेशेंट अभी एक गाड़ी के अंदर अभी एक एम्बुलेंस में 3 पेशेंट गए लेके, और अभी एक पेशेंट डिलीवरी वार्ड में इमरजेंसी में है अभी। ड्रायव्हर राहतो मी, नमस्कार देतो मला आली की गाडी एम्बुलन्स भेटली नाही, म्हटलं की जर खतम झाले कारण की आता 9 वाजतापर्यंत आता